गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का जूलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। प्रीवियस क्लास में अपन ने सेंट्रोसोम या तारकाय का नामक कोशिका अंगक कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में, प्रीवियस क्लास में मैंने ये भी कहा था कि नेक्स्ट अपना कोशिका अंगक जो रहेगा वो रहेगा सीलिया और फ्लैजिला, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं सीलिया और फ्लैजिला। पक्षमाभ एवं कशाभ, ठीक है। जिन्हें बोलते हैं पक्षमाभ को बोलते हैं सीलिया एंड कशाभ को बोलते हैं फ्लैजिला। तो ये चीज ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना आप। सॉरी, ए और आएगा यहां पे। सीलिया बोलते हैं पक्षमाभ को, कशाभ को बोलते हैं फ्लैजिला। सीलिया संख्या में बहुत सारे होते हैं लेकिन छोटे छोटे होते हैं, जबकि फ्लैजिला या कशाभ संख्या में बहुत कम होते हैं, एक या दो ही होते हैं और साइज में बहुत लंबे लंबे होते हैं। इतना आप ध्यान रखना ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, सीलिया और फ्लैजिला या एक कोशिका की बात की जाए तो कोशिका की बाहरी सतह जो होती है उस पर रोम समान हेयर लाइक जो अपने बाल होते हैं, जैसे स्किन पे लगे हुए बाल हैं, ऐसी रचना के रूप में या तंतुओं के रूप में रचनाएं पाई जाती है कोशिकाओं के ऊपर। वापस रिपीट कर रहा हूं, सेल्स के ऊपर उनकी आउटर सरफेस या बाहरी सतह पर हेयर समान या रोम समान या तंतुओं के समान रचनाएं उपस्थित होती है जो एक कोशिका को या उस संपूर्ण प्राणी को गतिशील बनाती है, जो उस कोशिका को या संपूर्ण प्राणी को गतिशील बनाती है। अतः इन सीलिया या फ्लैजिला का मुख्य कार्य गमन में सहायता करना होता है। किसमें सहायता करना होता है? गमन में। गमन को बोलते हैं लोको मोशन, ठीक है। होते कैसे हैं? सूक्ष्म तंतु या हेयर लाइक को बोलते हैं रोम समान, जैसे ये अपने छोटे छोटे हेयर से स्किन की, हाथ की स्किन पे वैसे, ठीक है। तो ये गतिशील एक या तो एक कोशिका को गतिशील बनाएंगे या संपूर्ण प्राणी को गतिशील बनाते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि ये गमन में या लोकोमोशन में सहायता करते हैं। इसके अलावा इन सीलिया या फ्लैजिला के द्वारा खाद्य धारा उत्पन्न करने, किसमें? खाद्य धारा उत्पन्न करने यांत्रिक कार्यों में एवं संवेदी अंगों के रूप में भी काम में लिए जाते हैं। कौन? पक्षमाभ और कशाभ या सीलिया या फ्लैजिला। किस किस में काम में ले जाएंगे? मुख्य कार्य तो है गमन में, लोकोमोशन में। इस लोकोमोशन या गमन के अलावा यह है कोशिकाओं को या संबंधित प्राणियों में खाद्य धारा यानी भोजन प्राप्त करने के लिए खाद्य धारा उत्पन्न करते हैं, जैसे अमीबा है, युगलिना है, पैरामीशियम है। अगर आप डिस्कवरी में इनके वीडियोज देखो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसके अलावा यांत्रिक कार्य करने में, यांत्रिक कार्य से यहाँ पे मतलब है कि किसी सरफेस से या किसी सतह से चिपकने में, संवेदी अंगों के रूप में कि जिस पानी में ये रह रहे हैं उसका पीएच कम हो गया या ज़्यादा हो गया, तो ऐसे ये संवेदी अंगों का भी कार्य करते हैं। समझ में आया इतना? इन सीलिया और फ्लैजिला में नियंत्रित एवं नियमित गतियाँ पाई जाती हैं।
कैसी? नियंत्रित एवं नियमित, यानी जिस प्राणी में या जिस कोशिका में यह सीलिया और फ्लैजिला होंगे, उस प्राणी के द्वारा इन सीलिया और फ्लैजिला पर नियंत्रण भी होगा, कंट्रोल भी होगा, और उनमें जो गतियां हो रही है वो नियमित प्रकार की होगी। यानी एक टाइम तक गति हुई, फिर कुछ टाइम के लिए रुक गई, फिर गति हुई, फिर रुक गई। तो इसलिए मैंने लिखा है नियंत्रित एवं नियमित प्रकार की गतियां पाई जाती हैं। क्लियर है? फिर आगे बात करते हैं। सीलिया एक से अधिक होने के कारण एक साथ तालबद्ध गति करते हैं। सीलिया एक से अधिक होने के कारण एक साथ कैसी गति करेंगे? तालबद्ध गति करते हैं। जबकि फ्लैजिला एकल रूप से गति करते हैं। सीलिया तो एक से अधिक है, बहुत सारे हैं छोटे छोटे, इसलिए एक साथ तालबद्ध गति करते हैं। लेकिन फ्लैजिला अपन को पता है एक या दो ही होते हैं, तो ये सिंगल रूप से या एकल रूप से ही गति करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये मैंने आपको कुछ सामान्य जानकारी बताई है सीलिया और फ्लैजिला की, कि ये कैसे दिखाई देते हैं, इनका कार्य क्या है और ये कैसे गति करते हैं। अब बात करेंगे अपन इनके प्राप्ति स्थान की। प्राप्ति स्थान कि किन किन प्राणियों में ये पाए जा सकते हैं, तो इसके मैं एग्जांपल बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। सभी प्राणी या सभी एनिमल्स और जो प्लांट सेल्स है उनमें ये पाए जाते हैं। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स में प्रेजेंट। अब उनमें भी कौन कौन से हैं? एग्जांपल प्रोटो जोआ। प्रोटोजोआ में है युगलिना, नाम सुना है युगलिना का, ऐसे ही नाम सुना होगा पेरामीसियम, नाम सुना है पेरामीसियम का। तो प्रोटोजोआ जो एक ग्रुप है जीवाणुओं का, उसमें या प्रोकैरियोटिक जीवों का, उसमें युगलिना है, पेरामीसियम है, और एक नाम और है बेलेंटीडियम। तो ये कुछ छोटे छोटे जीवों के उदाहरण है प्रोटोजोअन एनिमल्स के, जिनमें यह सीलिया और फ्लैजिला पाए जाते हैं। इसके अलावा एल्गी जिसे अपन बोलते हैं सेवाल, फंजाई जिसे बोलते हैं कवक, इनके जो जू स्पोर्स और जो गैमिट्स यानी जो युग्मक होते हैं उनमें ये सीलिया और फ्लैजिला पाए जाते हैं। यहाँ पे एल्गी से मतलब सेवाल से है, फंजाई से मतलब कवक से है। इन दोनों के जो जू स्पोर्स, जो ये स्पोर्स बनाते हैं खुद को बनाए रखने के लिए उनमें, और जो इनके युग्मक होते हैं जिन्हें बोलते हैं गैमिट्स, उनमें ये सीलिया और फ्लैजिला पाए जाते हैं। इसके अलावा आपने नाम सुना हो ब्रायोफाइटा एवं टेरिडोफाइटा में भी
ब्रायोफाइटा एवं टेरिडोफाइटा के जो स्पर्म्स हैं, स्पर्म्स जिन्हें अपन बोलते हैं शुक्राणु, उनमें भी ये सीलिया और फ्लैजिला पाए जाते हैं। तो वापस रिपीट कर रहा हूँ, सभी जो प्लांट्स हैं और जो एनिमल्स कोशिकाएं हैं उनमें ये पाए जाते हैं। अगर इनमें अगर एग्जांपल्स की बात करें तो प्रोटोजोआ एनिमल्स जो होते हैं जैसे यूग्लिना, पेरामीसियम, बेलेंटीडियम, उनमें ये सीलिया और फ्लैजिला पाए जाते हैं। ऐसे ही एल्गी और फंजाई के जो जूस्पोर्स और जो गैमेट्स होते हैं उनमें भी पाए जाते हैं। ऐसे ही बात करें तो ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा के जो स्पर्म्स हैं, जो शुक्राणु हैं, उनमें भी सीलिया और फ्लैजिला पाए जाते हैं। तो ये अपन को अब पता चल चुका है कि सीलिया और फ्लैजिला या पक्षमाप या कशाब कहाँ कहाँ पर या कौन कौन से कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब अपन बात करेंगे इनकी शेप और साइज की। शेप और साइज की दिखाई कैसे देते हैं, ये पहले ही चर्चा कर ली थी अपन ने। सूक्ष्म तंतु समान, लंबे सूक्ष्म तंतु समान या हेयर लाइक, ऐसे दिखाई देते हैं। और अगर इनकी लंबाई की बात की जाए, इनकी लंबाई की बात की जाए या संख्या की बात की जाए तो सीलिया जो होते हैं वो 3,000 से लेकर 14,000 तक हो सकते हैं। कितने? एक सेल में 3,000 से 14,000 तक। जबकि फ्लैजिला की बात करें तो वो एक से दो ही होते हैं। तो देखो कितना अंतर है। ऐसे अगर इनकी लंबाई की बात की जाए तो फ्लैजिला की लंबाई होती है 150 एंगस्ट्रम तक, 150, और जबकि जो सीलिया है उसकी होती है 5 से 10 म्यू एंगस्ट्रम, नहीं है म्यू है माइक्रोन। शेप एंड साइज, आकृति एवं आप। तो मैंने बताया कि यह कैसे दिखाई देते हैं, शेप में सूक्ष्म तंतु, कैसे लंबे सूक्ष्म तंतु समान या हेयर लाइक यानी रोम समान दिखाई देते हैं, जो साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य में धसे हुए होते हैं। ठीक है, सीलिया 3,000 से 14,000 तक पाए जाते हैं, जबकि फ्लैजिला 1 से 2। ठीक है, अगर लंबाई की बात की जाए, ठीक है, तो सीलिया जो होता है वो 5 से 10 म्यू लंबा होता है, जबकि फ्लैजिला की बात की जाए तो वह 150 म्यू लंबा होता है। तो ये अपन ने सीलिया और फ्लैजिला की शेप के बारे में जान लिया कि ये लंबे सूक्ष्म तंतु समान या रोम समान होते हैं, जो कोशिका के कोशिका द्रव्य में धसे हुए होते हैं। अगर संख्या की बात की जाए कि सीलिया 3,000 से लेकर 14,000 तक होते हैं, जबकि फ्लैजिला 1 या 2 ही होते हैं। लंबाई की बात की जाए तो सीलिया छोटे से होते हैं, मैंने पहले बता दिया था 5 से 10 म्यू या माइक्रोन। फ्लैजिला की बात की जाए तो वो लंबे होते हैं, पहले बता दिया था अपन ने, लगभग 150 म्यू। तो देख सकते हैं इनकी लंबाई में कितना फर्क आ रहा है। ठीक है, तो ये अपन ने सीलिया और फ्लैजिला की शेप और साइज की, आकृति और आमाप की बात कर ली है अच्छे से। ठीक है, अब ये जो सीलिया है, ये जो सीलिया है ये भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट तो है दृढ़ पक्षमाभ, सीलिया को पक्षमाभ भी बोलते हैं। दृढ़ का मतलब है यहां से
स्टीरियो या स्टीरो, स्टीरियोटाइप या सीलिया बोल सकते हैं अपन, स्टीरियो सीलिया। और दूसरे हैं कुंचित, पक्षमाभ जिन्हें बोलते हैं कुंचित को बोल सकते हैं अपन स्मूथ लाइक या स्मूथ सॉफ्ट सॉफ्ट। ये जो दृढ़ पक्षमाप या जो स्टीरियो सीलिया है, हाँ सॉरी, इस जो कुंचित पक्षमाप को बोलेंगे काइनो, स्मूथ भी बोल सकते हैं क्योंकि ये मूवमेंट कर सकते हैं, काइनो सीलिया। ठीक है, अब सबसे पहले अपन बात करेंगे दृढ़ पक्षमाप की या स्टीरियो सीलिया की। दृढ़ पक्षमाप यानी कि बहुत ही कठोर होते हैं, इसलिए यह गतिशील नहीं होते हैं। तो अपन लिख सकते हैं यह अगतिशील होते हैं, क्योंकि यह दृढ़ होते हैं इसलिए अगतिशील होते हैं। अब अगतिशील होने का रीजन भी है, दृढ़ होने का रीजन भी है, वो यह है कि इनमें माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं पाई जाती, बिकॉज इनमें ट्यूब्यूल्स एब्सेंट होती है। क्योंकि अपन ने ये जाना है कि ये जो सीलिया और जो फ्लेजिला है, ये भी छोटी छोटी नलियों से मिलकर बने हुए होते हैं, छोटे छोटे फाइबर से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि अपन ने बात की थी स्टार्टिंग में तारक काय में, वैसे ही ये भी माइक्रोट्यूब्यूल से, सूक्ष्म नलिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, इसीलिए यह अगतिशील टाइप के होते हैं। यह जो दृढ़ सीलिया है, जो स्टीरो सीलिया है, यह अगर एग्जाम्पल की बात की जाए कि कहाँ पर मिलते हैं इसे सीलिया, क्योंकि ज़्यादातर सीलिया तो गतिशील होते हैं लेकिन ये अगतिशील है, तो ये कहाँ पर पाए जाएंगे? आंतरिक कर्ण की क्रिस्टा, पर जो अपना इंटरनल ईयर है, ऐसे ही एनिमल्स में भी, छोटे छोटे एनिमल्स में भी उसका आंतरिक कर्ण होता है, उसकी पिन्ना और जो क्रिस्टा, एक पिन्ना नाम की और होती है, सॉरी पिन्ना नहीं है, मेकुला है, मेकुला 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 और क्रिस्टा नामक जो संरचना होती है आंतरिक कर्ण में, उस पर ये दृढ़ पक्षमाप या स्टीरोसीलिया पाए जाते हैं। ये कैसे होते हैं? अगतिशील होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें माइक्रोट्यूब्यूल्स या सूक्ष्म नलिकाएं अनुपस्थित होती हैं। ठीक है, अब बात करेंगे अपन कुंचित पक्षमाप जिन्हें बोलते हैं काइनोसीलिया, तो ये जस्ट इसके अपोजिट होंगे। तो ये अगतिशील थे, तो यह गतिशील होते हैं, येलोजी। तो ये अपन ने सीलिया के दो प्रकारों की भी अच्छे से बात कर ली है, एक तो है दृढ़ पक्षमाप और दूसरा है कुंचित पक्षमाप, स्टीरोसीलिया और काइनोसीलिया। फर्स्ट अगतिशील है, दूसरा गतिशील है। क्लियर है? ठीक है, अब अपन बात करेंगे सीलिया और फ्लेजिला की अल्ट्रा स्ट्रक्चर की, परा संरचना की। तो इसकी परा संरचना कैसी होगी? वही तंतु समान या हेयर समान या रोम समान। वैसे जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है सीलिया और फ्लेजिला की, वो एक समान ही होती है, अंतर बस इतना होता है कि इनकी लंबाई और मोटाई में अंतर होता है बस, और बाकी सीलिया और फ्लेजिला की दोनों की संरचना या अल्ट्रा संरचना समान होती है।
तो आप कंफ्यूज मत होना कि मैंने जो संरचना बताई है वो सीलिया की है या फ्लैजिला की है, क्योंकि दोनों की संरचना समान होती है, बस अंतर कहाँ पे होता है, इनकी लंबाई में और मोटाई में। परा संरचना, जिसे अपन बोल रहे हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर। तो ध्यान से सुनना, सीलिया और फ्लैजिला की संरचना में कोई विशेष अंतर नहीं होता है, बल्कि इनकी लंबाई लंबाई एवं मोटाई में ही अंतर मिलेगा, ठीक है, बाकी संरचना समान होगी। यह सीलिया और फ्लैजिला कोशिका द्रव्य में सेल की सरफेस पर, जैसे ये कोई कोशिका है, बैक्टीरिया कोशिका, इसकी सरफेस पर, जैसे कोई सीलिया है, इसकी सरफेस पर इसके साइटोप्लाज्म में धसे हुए होते हैं, इसका कोशिका द्रव्य होता है, तो इसके कोशिका द्रव्य में धसे हुए होते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से द्वारा इसके अगर देखें अपन सीलिया और फ्लैजिला को, तो अपन को इनकी जो संरचना है वो निम्न प्रकार से दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है, ध्यान से देखना, डायग्राम बना रहा हूं और बाकी डिटेल अपन अगली क्लास में देख लेंगे इसकी। अपन ने कहा कि ये सूक्ष्म तंतु समान, लंबी तंतु समान संरचना होती है, तो उसकी संरचना बना लेते हैं पहले। ऐसे इसमें एक सिंगलेट फाइबर होता है, एक डबलेट फाइबर होता है, ऐसे ये रूट्स है इसकी जो साइटोप्लाज्म में धसी हुई होती है, ठीक है। ये है इसके सबसे ऊपर वाला भाग जिसे बोलते हैं टिप, ठीक है। ये जो इसके बीच में है ये एक सिंगल फाइबर होता है, इसे बोलते हैं सिंगलेट फाइबर। और जो साइड में मैंने एक लाइन खींची है और उसके पास में एक डैश डैश से शो किया है, ये है डबलेट फाइबर, डबलेट फाइबर, ठीक है। ये है इसकी बेसल प्लेट, बेसल प्लेट जिसे बोलते हैं आधारीय पट्टिका, आधारीय पट्टी या पट्टिका, ठीक है। यह है प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा लेमा यानी कि किसी कोशिका की बाहरी सतह प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है। तो ये अपन ने एक सीलिया या फ्लैजिला की एक अल्ट्रा संरचना बनाई है। अगर इसी को अपन और आवर्धित करके देखें, मान लो कि इसका सेक्शन कटिंग करें अपन, छोटा सा काट ले, यहाँ से इसको काट कर सूक्ष्मदर्शी में देखें, तो इसके अंदर की संरचना कैसे दिखाई देगी, उसका डायग्राम भी बना लेते हैं अपन। गोल गोल ही दिखेगा ये, इसका ऐसे पतला काट करेंगे तो गोल गोल दिखेगा अपनों को, ऐसे। ये इसके अंदर का सिंगलेट फाइबर, बीच में था इसका सिंगलेट फाइबर यहां पे बीच में,
और इसके चारों तरफ डबलेट फाइबर, डबल डबल कितने होते हैं, ये 9+2 के अरेंजमेंट में होते हैं, ठीक है। तो ऐसे बनाएंगे अपन, ऐसे ही एक दूसरे से जुड़े हुए भी होते हैं। ऐसे इसके अंदर की संरचना दिखाई देगी अपन को, जिसमें ये जो अपन ने डबल लेयर बनाई है इसमें सीथ या थोड़ा गाढ़ा पदार्थ भरा हुआ रहता है। ये अंदर वाले हैं सिंगलेट फाइबर, सिंगलेट फाइबर। ये बाहर वाले कौन से बताए थे मैंने, डबलेट फाइबर और सिंगलेट फाइबर के आप दोनों तरफ ये देख रहे हो, ऐसे एक ब्रिज सा, सेतु सा, ये वाला इसे बोलते हैं ब्रिज हेड, यानी ब्रिज का सिर। तो ऐसे एक सीलिया और फ्लेजिला की आंतरिक संरचना होती है, जिसमें बीच सेंटर में तो होता है सिंगलेट फाइबर और उसके चारों तरफ होते हैं डबलेट फाइबर, जैसा कि अपन ने इस डायग्राम में भी शो किया है। तो ये है एक सीलिया और फ्लेजिला की परा संरचना या अल्ट्रा स्ट्रक्चर, जिसमें अगर अपन माइक्रोस्कोप से देखें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, तो अपन को इन संरचनाओं के रूप में इनकी संरचना दिखाई देगी। अब इनमें कौन कौन सी संरचनाओं का अपन अध्ययन करते हैं, कि एक्सेल फिलामेंट है, बेसल प्लेट है, टिप है, वो नेक्स्ट क्लास में अपन इनकी डीपली स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।